या सिगरेट पीने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। नसवार लगाने या गुटखा खाने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या औरत को हाथ लग जाए यानी टच हो जाए तो क्या वजू टूट जाता है? हनफियों के नज़दीक वजू नहीं टूटता। क्या गाली देने या गाने सुनने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या बगैर वजू मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं? जी दाखिल हो सकते हैं। क्या कपड़े तब्दील करने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या एक ही वजू से 5-6 नमाजें अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अगर वाकई उसका वजू कायम है तो। जो वजू की हालत में इंतकाल कर जाए तो क्या उसे शहीद कहा जाएगा? जी हाँ, वजू जो वजू की हालत में फौत हो उसको शहादत का रुतबा मिलता है। जो बात तहारत सोया और मर गया, जो वजू करके सोया फौत हो गया, वो भी शहीद। एक हाथ से सर का मसह कर सकते हैं? हो जाएगा मसह। सर का मसह कैसे करना चाहिए? सुन्नत तो ये है कि जैसे कि दोनों हाथ तर हैं और सीधे ये हाथ मिला के इस तरह ले जाएं कि हर बाल जो है ये इस पर तरी पहुंचे पानी की, सर के जितने बाल हैं ना जाहिर इन सब के ऊपर आ जाए, ये सुन्नत अदा हो गई। और चौथाई सर का मसा जो है ये फर्ज है। गोश्त खाने के बाद क्या दोबारा वजू करना चाहिए? गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता। ऊँट का गोश्त खाया तो मुस्ताहब है कि वजू कर ले, वजू टूटता नहीं उससे भी। वजू के दौरान मुंह हाथ या पांव एक बार धोया तो क्या वजू हो जाएगा? वजू हो जाएगा, सुन्नत छूटी।